नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, जो आपकी किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद करती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारी लेटेस्ट वीडियो और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म 1 अप्रैल सन 1889 को नागपुर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जब वह महज 13 वर्ष के थे तभी उनके पिता पंडित बलिराम पंत हेडगेवार और माता रेवती बाई का प्लेग से निधन हो गया। इसके बाद उनकी परवरिश दोनों बड़े भाइयों महादेव पंत और सीताराम पंत ने की। शुरुआती पढ़ाई नागपुर के नील सिटी हाई स्कूल में हुई, लेकिन एक दिन स्कूल में वंदे मातरम गाने की वजह से उन्हें निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद उनके भाइयों ने उन्हें पढ़ाई के लिए यवतमाल और फिर पुणे भेजा। मैट्रिक के बाद हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएस मुंजे ने उन्हें मेडिकल की पढ़ाई के लिए सन 1910 में कलकत्ता भेज दिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह 1915 में नागपुर लौट आए। क्रांतिकारी गतिविधियाँ। कलकत्ता में रहते हुए डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने अनुशीलन समिति और युगांतर जैसे विद्रोही संगठनों से अंग्रेजी सरकार से निपटने के लिए विभिन्न विद्याएं सीखी। अनुशीलन समिति की सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही वह राम प्रसाद बिस्मिल के संपर्क में आ गए। केशव चक्रवर्ती के छद्म नाम का सहारा लेकर डॉक्टर हेडगेवार ने ककोरी कांड में भी भागीदारी निभाई, जिसके बाद वह भूमिगत हो गए थे। इस संगठन में अपने अनुभव के दौरान डॉक्टर हेडगेवार ने यह बात जान ली थी कि स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजी सरकार से लड़ रहे भारतीय विद्रोही अपने मकसद को पाने के लिए कितने भी सुदृढ़ क्यों ना हो, लेकिन फिर भी भारत जैसे देश में एक सशस्त्र विरोध को भड़काना संभव नहीं है। इसलिए नागपुर वापस लौटने के बाद उनका सशस्त्र आंदोलन से मोह भंग हो गया। नागपुर लौटने के बाद डॉक्टर हेडगेवार समाज सेवा और तिलक के साथ कांग्रेस पार्टी में मिलकर कांग्रेस के लिए कार्य करने लगे। कांग्रेस में रहते हुए वह डॉक्टर मूंज के और नजदीक आ गए, जो जल्द ही डॉक्टर हेडगेवार को हिंदू दर्शन शास्त्र में मार्गदर्शन देने लग गए थे। उन दिनों देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी और सभी राष्ट्रभक्त युवा उसमें अपनी सोच और क्षमता के हिसाब से भागीदारी निभा रहे थे। हेडगेवार भी शुरुआती दिनों में कांग्रेस में शामिल हो गए। सन 1921 के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और एक साल जेल में बिताया, लेकिन मिस्र के घटनाक्रम के बाद भारत में शुरू हुए धार्मिक राजनीतिक खिलाफत आंदोलन के बाद उनका कांग्रेस से मन खिन्न हो गया। 1923 में सांप्रदायिक दंगों ने उन्हें पूरी तरह से हिंदुत्व के ओर उन्मुख कर दिया। वह हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएस मुंजे के संपर्क में तो शुरू से ही थे। मुंजे के अलावा हेडगेवार के व्यक्तित्व पर बाल गंगाधर तिलक और विनायक दामोदर सावरकर का भी बड़ा प्रभाव था। सावरकर ने हिंदुत्व को नए सिरे से परिभाषित किया था। वह मानते थे कि सिंधु नदी से पूर्व की ओर लोगों के विकास यात्रा के दौरान सनातनी, आर्य समाज, बौद्ध, जैन और सिख धर्म समेत जितने भी धर्म और धार्मिक धाराओं का जन्म हुआ वह सभी हिंदुत्व के दायरे में आते हैं। इसी परिभाषा के आधार पर केशव बलिराम हेडगेवार ने हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की, और उस परिकल्पना को साकार करने के लिए सन 1925 में विजयदशमी के दिन संघ की नींव रखी। वह संघ के पहले सरसंचालक बने। शाखा की स्थापना के बाद उन्होंने उसे विस्तार करने की योजना बनाई और नागपुर में शाखा लगने लगी। भैयाजी दांडी, बाबा साहिब आप्टे, बाला साहिब देवरस और मधुकर राव भगवत इसके शुरुआती सदस्य बने। इन्हें अलग अलग प्रदेशों में प्रचारक की भूमिका सौंपी गयी, आरएसएस को राजनीति से दूर रखना। केशव बलिराम हेडगेवार ने शुरू से ही संघ को सक्रिय राजनीति से दूर रखा और सिर्फ सामाजिक धार्मिक गतिविधियों तक ही सीमित रखा। इसके पीछे एक सोची समझी राजनीति थी। वह ऐसा नहीं चाहते थे कि संघ शुरुआत में ही ब्रितानी हुकूमत की नजरों में खटकने लगे और उसका विस्तार न हो सके। इसी से बचने के लिए उन्होंने संघ को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने से रोका और उस पर सख्ती से अमल किया। लेकिन 1930 में जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ा तो हेडगेवार ने संघ की सभी शाखाओं को पत्र लिखकर सूचित किया कि संघ आंदोलन में शामिल नहीं होगा।
साथ ही यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति निजी हैसियत में इस आंदोलन में शामिल होना चाहता है तो हो सकता है। डॉक्टर हेडगेवर स्वयं भी निजी तौर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए थे। डॉक्टर हेडगेवर का मानना था कि संगठन की प्राथमिक काम हिंदुओं को एक धागे में पिरोकर एक ताकतवर समूह के तौर पर विकसित करना है। हर रोज सुबह लगने वाली शाखा में कुछ खास नियमों का पालन होता था। शरीर को फिट रखने के लिए व्यायाम और शारीरिक श्रम पर जोर दिया जाता था। हिंदुत्व पर चर्चा होती थी। शिवाजी और मंगल पांडे जैसे हिंदू नायकों की कहानियां सुनाई जाती थी। लक्ष्य साफ था, संगठन के विस्तार के लिए आचार विचार एक होना चाहिए। डॉक्टर हेडगेवर का व्यक्तित्व। डॉक्टर हेडगेवर के व्यक्तित्व को समग्रता व संपूर्णता में ही समझा जाता है। उसमें देश की स्वाधीनता के लिए एक विशेष आग्रह, दृष्टिकोण और दर्शन बाल्यकाल से ही सक्रिय थे। ऐसा लगता है कि जन से ही वह इस देश से, यहाँ की संस्कृति व परंपराओं से परिचित थे। यह निर्वादित सत्य है कि उन्होंने संघ की स्थापना देश की स्वाधीनता तथा इसे परम वैभव पर पहुंचाने के उद्देश्य से ही की थी। हेडगेवर ने देश को उसके स्वरूप का बोध कराया। उन्होंने उस समय भी पूर्ण स्वाधीनता और पूंजीवाद से मुक्ति का विषय रखा था, जबकि माना जाता है कि कांग्रेस में वैसी कोई सोच नहीं थी। डॉक्टर हेडगेवर ने संघ शाखा के माध्यम से राष्ट्रभक्तों की एक श्रृंखला खड़ी की। उन्होंने व्यक्तियों की क्षमता को उभारने के लिए नए तौर तरीके विकसित किए। सारी जिंदगी लोगों को यही बताने का प्रयास किया कि नई चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें नए तरीकों से काम करना पड़ेगा, स्वयं को बदलना होगा, पुराने तरीके काम नहीं आएंगे। उनकी सोच युवाओं के व्यक्तित्व, बौद्धिक एवं शारीरिक क्षमता का विकास कर उन्हें एक आदर्श नागरिक बनाती है। 21 जून 1940 को डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवर का नागपुर में निधन हुआ। उनकी समाधि रेशम बाग नागपुर में स्थित है, जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।